stand here in support of the bill for amendment of the constitution for Andhra Pradesh and Odisha, sir. Sir, my colleague and friend Saptagiri Ulki has spoken extensively and extraordinarily well today about the entire problems of the ST and SC community. Sir, I can't understand one question with full humility I'd like to ask this government. कि हमेशा ये एससी एसटी के अनेक राज्यों के बिल लाते, पिछले दो दिन पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर का लाया था, आज उड़ीसा का लाया, आंध्र प्रदेश का लाया, आज की मंत्री महोदया महाराष्ट्र की है, तो मैं इनसे विनती करूंगी कि वो खुद महाराष्ट्र से आती है और उनको सर पता है आज राज्य में, हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा आंदोलन अगर चल रहे हैं तो एक किसान के लिए, न्याय मांगने के लिए, किसान को उसकी ऋण माफ़ हो ये मांग के लिए चल रहा है, और दूसरा कि मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, तकारी और वीजेएनटी की भामटा और रामोशी समाज जो है सर, इन सब की आरक्षण की मांग चल रही है। हमारे एक भाई है महाराष्ट्र के, युवा नेता उभर रहे अभी, जिनका नाम है झरांगे पाटिल जी, वो मराठा आंदोलन में बहुत आज लड़ रहे हैं। उसके बाद धनगर समाज का बहुत दिनों की मांग है, जो भारतीय जनता पक्ष पार्टी जब ऑपोजिशन में थी उन्होंने 10 साल पहले वायदा किया था कि धनगर समाज को वो आरक्षण देंगे, सर उसका क्या हुआ? अगर आंध्र प्रदेश में हो सकता है, अगर उड़ीसा में हो सकता है, अगर जम्मू कश्मीर में हो सकता है, तो महाराष्ट्र पे ये अन्याय क्यों कर रही है? क्यों नाराज़ है महाराष्ट्र से ये सरकार? और 10 साल की मांग है सर, और महाराष्ट्र में उनके 200 MLA आज है और यहाँ 300 है, तो फिर दिक्कत क्या है? हमेशा अर्जुन मुंडा जी आज यहाँ नहीं है, वो हमेशा बहुत अच्छी तरह हमारी बात भी सुन लेते हैं सर, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव भेजा नहीं है, तो दोनों जगह तो आपकी सरकार है, हर रैली में कहते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण देंगे, धनगर समाज को देंगे, मुस्लिम समाज को देंगे, टकारी समाज को देंगे, लिंगायत समाज को देंगे, रामोशी समाज, भामटा समाज, सबको देंगे, लेकिन फिर प्रोसेस क्या है? और जो जो प्रोफेसर सौगताराज जी कह रहे थे कि क्यों ना आप पूरे देश के लिए एक JPC करें सर, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करें, हर राज्य से एक ही बार अच्छे से प्रस्ताव लाए, और फिर ये आरक्षण के जो छोटे छोटे बिल हर हफ्ते एक नया आता है, उससे अच्छा है कि हम राज्य से आप मांगिए उनका प्रस्ताव क्या है, और अगर सब ने प्रस्ताव दिया तो हर, ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, ये लोग जिनको न्याय मिलने की ज़रूरत है। धनगर समाज के बारे में बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं, आप देख रहे हैं, मराठा समाज के आरक्षण के बारे में शायद चेन्नई के पेपर में भी आया सर, आज अभी कन्नीमोली जी मुझे कह रही थी कि बहुत सारे इस आरक्षण के मामले हर देश में, कश्मीर टू कन्याकुमारी इसकी बात हो रही है सर। सो इसके बारे में इस सरकार क्यों, क्या महाराष्ट्र से नाराज़गी मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने सोचनी चाहिए, और आज रिप्लाई में भारती जी अगर बोलेंगी तो हम सबकी महाराष्ट्र से अपेक्षा ज़्यादा है कि वो महाराष्ट्र को न्याय दे। सर अंतिम में सिर्फ दो छोटे पॉइंट्स बोल के मेरा भाषण ख़त्म करूंगी सर, कि धर्मेंद्र प्रधान जी बोले कि आज तक इस देश में SC ST के लिए कुछ नहीं हुआ सर, और मैं रिकॉर्ड लाना चाहती हूँ कि आपने सुना होगा DMK के वरिष्ठ नेता है कलिंगर करुणानिधि जी, सर आप भी उसी पार्टी के हैं, उन्होंने SC ST के लिए कितना काम किया जब वो मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, और श्री शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग बजट बनाया था, आज भी महाराष्ट्र में अलग बजट उनके लिए बनता है, तो ऐसा नहीं है कि पहले किसी राज्य में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये आरक्षण का जो मामला है वो राज्य नहीं सुलझा सकती, वो दिल्ली में ही आता है और यहाँ पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो मैं फिर बड़ी विनम्रता से इस सरकार को कह रही हूँ कि आपका बड़ा, बहुत बड़ा नंबर है, तो आप यहाँ बड़े 300 आपके MPs हैं, तो आप मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टकारी और VJNT के भामटा और रामोशी समाज की जो मांग है उसके बारे में प्लीज़ सोचें। मैं बहुत विनम्रता से फिर एक बार विनती करती हूँ कि ये सरकार इस बारे में सोचे और कुल निर्णय ले, सिर्फ राजकीय रैलियों में ये कहते हैं आरक्षण देंगे, लेकिन जब करने की बात होती है ये कुछ नहीं करती, ये सरकार महाराष्ट्र के सारे समाज के खिलाफ है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार पे आरोप है। थैंक यू सर। थैंक यू श्री टपीर गांव। थैंक यू प्लीज नो मोर प्रस्तक्स। धन्यवाद ऑनरेबल चेयरमैन सर, आज
मैडम मैं बोलूं, वेट कर दिया सर, प्लीज वन मिनट, सर जस्ट टू क्लियर द रिकॉर्ड, इट इज मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टकारी, विजयंती, भामटा और रामोशी समाज सबका मैंने लिया, सो द रिकॉर्ड इज स्ट्रेट, थैंक यू सर, ओके ओके, मिस्टर टपीर, हाँ नहीं मराठा पे चर्चा करेंगे सर, मैं बोल सकती हूँ अगर आप एक मिनट दे तो, ऑनरेबल सर मराठा समाज की भी मांग हो रही है, नहीं सर,